हेलो एंड वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। आज हम स्टडी करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ सर जॉन टेनियल। सर जॉन टेनियल कौन है? गूगल ने इनकी पिक्चर लगा करके इनको ट्रिब्यूट किया है इनकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। और ये कौन शख्स हैं जिसको एक गूगल जैसी इतनी बड़ी सर्च इंजन इनको ट्रिब्यूट कर रही है, जानेंगे इनकी बायोग्राफी। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी हमारे साथ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, और साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है इसको जरूर दबा देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि ऐसे ही बड़े बड़े शख्स की मैं बायोग्राफी या फिर उनसे रिलेटेड जितनी भी बड़ी न्यूज़ होती हैं वो मैं लेके आता रहता हूँ। हे गाइस, दिस इज देवेंद्र एंड यू आर वॉचिंग स्टडी हमारे साथ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जॉन टेनियल थे कौन जिनको गूगल ने इतनी बड़ा ट्रिब्यूट दिया है। ये देखिए, गूगल ने उनकी पिक लगा करके अपने डूडल के ऊपर उनको उनकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनको ट्रिब्यूट किया है। तो ये सब जानते हैं कि सर जॉन टेनियल थे कौन, आप इनका इनकी बायोग्राफी और इनकी जीवनी के बारे में आगे समझते हैं क्या है इनकी जीवनी। सबसे पहले तो इनका जन्म देखते हैं, जन्म कहाँ हुआ है। सर जॉन टेनियल का जन्म 28 फरवरी 1820 को बायस वाटर इंग्लैंड में हुआ था। सर जॉन टेनियल बचपन से ही काफ़ी अच्छे और शांतमुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। कहा जाता है कि काफ़ी कूल माइंडेड व्यक्ति थे ये। माता पिता के अलावा इनके परिवार में दो भाई थे और तीन बहन थी। बचपन में ये अपने पिता से तलवारबाजी के जब गुर सीख रहे थे तो गलती से इनकी ना, कहा जाता है इनकी आँख में एक कुछ जख्म हो गया था, लेकिन इन्होंने अपने पिताजी को यह सोच कर नहीं बताया कि कहीं उनके पिताजी परेशान ना हो। तो दोस्तों, कितने ज़्यादा अपने माँ बाप को प्यार करने वाले ये इंसान थे। इनकी यदि बायोग्राफी को ध्यान से पढ़ेंगे तो इनका ह्यूमर जो बहुत अच्छा था, ये काफ़ी अच्छे और शांत स्वभाव के इंसान थे। कहा जाता है टेनियल ने 1842 में रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स में प्रवेश किया। जब थोड़े से बड़े हो गए, जैसे जैसे इनकी आयु आगे बढ़ती गई, इनकी पढ़ाई में भी मन लगने लगा। लेकिन ये पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इनका जो आर्ट की तरफ इनका रुझान था वो बहुत ज़्यादा था। तो 1842 में रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स में जब इन्होंने प्रवेश लिया तो लंदन के एक आर्ट्स इंस्टीट्यूट में ये टेनियल ये मानते थे कि स्कूल में जो उनकी शिक्षा देने का जो उनका तरीका है ना वो बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए उनके साथ इनकी बनती नहीं थी। लेकिन ये खुद को शिक्षित करने का इन्होंने खुद ही सोच लिया कि मैं अपने आप को खुद ही शिक्षित करूंगा, और अपने तरीके से ये अपनी आर्ट्स पेंटिंग्स वगैरह बनाने लगे। तो इनको एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट के रूप में जाने लगा, क्योंकि इनकी जो पिक्चर्स थी जो ये कार्टून्स बनाते थे काफ़ी व्यंग्यात्मक होते थे, काफ़ी लोगों को पसंद भी आते थे। तो इसलिए इनको काफ़ी जगह से ऑफर भी आने लगे कि आप हमारे साथ काम करिए। और कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे थे जिनके ऊपर इनकी इनको लगाया जाता था ताकि ये अपनी भावना से लोगों में अवेयरनेस लेके आ सकें। इनकी फेमस बुक्स और इनकी पिक्चर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आफ्टर ऑल कैसे इतना ज़्यादा फेमस हुई, उनकी कौन कौन सी बुक्स रही होंगी। 8 अक्टूबर 1881 को पंच, जो कि एक हास्यमक व्यंग ब्रिटिश पत्रिका थी, वो जब प्रकाशित हुई तो उसका एक टाइटल था एक आसमान मैच। वो एक पुलिस अधिकारी को सुरक्षा के लिए प्रेरित कर रही थी कि पुलिस अधिकारी को अपने तरीके कैसे चेंज करने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि ये पुलिसिंग के तरीकों को बदलने के लिए उनको प्रोत्साहन कर रहे थे। सर जॉन टेनियल की का अपना जो पहला चित्रण था वो 1842 में सैमुअल कार्टर हॉल की पुस्तक द बुक ऑफ ब्रिटिश वैलिडिस के लिए किया गया था। सर जॉन टेनियल को विशेष रूप से राजनीतिक कार्टूनिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये उनका अपना जीवन था जो काफ़ी ज़्यादा लंबा उनका स्ट्रगल जीवन भी रहा है, क्योंकि बचपन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हर किसी को देखना पड़ता है, और स्ट्रगल से आगे निकल करके ही हम अपनी लाइफ को और आसान इजी वे में जीना सीख सकते हैं। सो दोस्तों, काफ़ी लंबी लाइफ जीने के बाद 93 साल की उम्र में उनकी लंदन में 25 फरवरी 1914 में उनकी मृत्यु होगी। लगभग 93 ईयर्स ओल्ड थे। सो दोस्तों, ये थी उनकी पूरी बायोग्राफी। गूगल ने उनको क्यों ट्रिब्यूट किया, क्योंकि वो है ही इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी। गूगल के द्वारा उनको एक ट्रिब्यूट करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तक किसी इंसान का पहुँचना और उनको गूगल जैसी संस्था के द्वारा उसको ट्रिब्यूट करना एक बहुत ही काबिलियत तारीफ है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने नया कुछ जाना होगा। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि मैं ऐसी ऐसी और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफी लेके आता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बाय वॉचिंग दिस वीडियो।